मॉर्निंग बच्चों, आज क्लास टेंथ आपके सभी के पास किताब होंगी। बहुत से बच्चों के पास अगर किताब नहीं होती है तो हम क्लास टेंथ में चैप्टर नंबर 6 से चलते हैं। शुरू के जो 1, 2, 3 चैप्टर दिए हैं, 4 दिए हैं, वो लिखित चैप्टर हैं आपके। अब आपके गेम के चैप्टर शुरू होते हैं। लगातार पर डे हम आपको एक एक गेम की संक्षिप्त जानकारी और उसके बारे में नियम और उसकी माप जोक सारी चीज बताएंगे। आज आपका शुरू होता है लेसन नंबर 6, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल आप सभी लोग जानते हैं, जैसे ही वॉलीबॉल का नाम लिया जाता है आपके मस्तिष्क पर पटल पर एक गेंद, नेट और एक 18x9 यानी 18x9 मीटर का मैदान नजर आने लगता है। इसको जानने से पहले आप ये आविष्कार किसने किया, खोज किसने की, शुरुआत कहां से हुई। पहली चीज कहता है इस खेल का आविष्कार अमेरिका के यानी अमेरिका में हुआ था। वहां के विलियम जी मॉर्गन ने 1985 में क्या कहते हैं इसका खोज किया था। इस खेल का वॉलीबॉल खेल का आविष्कार वैज्ञानिक या जो भी आप कह सकते हैं विलियम जी मॉर्गन ने 1985 में इसकी खोज की। फिर ये खेल चलता रहा, कई परिवर्तन हुए, परिवर्तनों के साथ साथ तमाम समितियां बनी, जिसमें आप एक YMCA का नाम सुने होंगे। YMCA इसको आपने सुना होगा। YMCA के बाद फिर क्यूबा में सन 1955 से लेकर 1992 में यह राष्ट्रीय खेल हुआ। जहां पर खेला गया। लास्ट में सबसे अंत में 1928 में यूएस वॉलीबॉल एसोसिएशन की स्थापना हुई। यहां से वॉलीबॉल ने अपना विस्तृत रूप लेना शुरू किया, यानी पूरे वर्ल्ड में 1928 में जब यूएस वॉलीबॉल एसोसिएशन की स्थापना हुई तब यहां से वॉलीबॉल ने अपना पूरा रूप पूरे वर्ल्ड में खेलना शुरू किया, यानी शुरुआत हुई इस खेल की। यहाँ पर तीन चीज महत्वपूर्ण है जो आपके संक्षिप्त इतिहास से अगर आता है लिखने को एग्जाम में, या अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आता है क्वेश्चन, या फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, या जैसे भी पेपर होता है इस कोरोना काल में, तो आप तीन चीज ध्यान रखिएगा कि इस खेल का आविष्कार विलियम जी मॉर्गन, पहला चीज 1985 में यूएस वॉलीबॉल एसोसिएशन की स्थापना 1928 में, और YMCA ये YMCA एक खेल संघ है जिसकी स्थापना हुई थी। आपको मालूम होना चाहिए YMCA जो है ये जिम्नेजियम शारीरिक निदेशक थे YMCA के, इन्होंने इस चीज का गठन किया था। फिर उसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि यह खेल आपके क्यूबा सन 1905 में से और 1922 में न्यूयॉर्क में खेला गया था। तीन चीज महत्वपूर्ण होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन चार के ऑप्शन पर आप संक्षिप्त जानकारी इतिहास की ले सकते हैं, या आपके पेपर में अगर आता है फिलिंग द ब्लैंक्स तो आप भर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इसके जो मेन पार्ट्स हैं जिसको हमें जानना है, वो है मैदान। मैदान के साथ साथ हमें गेंद और उस मैदान में यूज होने वाले इक्विपमेंट यानी कौन कौन से सामान यूज होते हैं उस चीज की जानकारी लेनी है। सबसे पहले आप देखिए कि एक मैदान 18x9 अगर आप खींचते भी हैं मैदान, साधारण शब्दों में ध्यान से इस मैदान की लंबाई और चौड़ाई यानी इसकी लंबाई 18 मीटर साधारण,
और चौड़ाई इसकी 9 मीटर होती है। पहला पॉइंट, यानी आपसे अगर पूछा जाता है मैदान की लंबाई चौड़ाई कुल कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं कि इस मैदान की लंबाई चौड़ाई 18×9 मीटर होती है। पहला। दूसरा, इस मैदान में देखिए आप दो भाग बटे हुए हैं, यानी अगर जहां नेट बंधा हुआ है 9 मीटर इधर 9 मीटर इधर, इस 9 मीटर के इधर भाग में आप देखिए हाफ में एक डॉट डॉट लाइन होती है जो सेंट्रल लाइन से, उसको बोलते हैं टैग लाइन, और सेंट्रल लाइन से ये डॉट डॉट लाइन इसलिए होती है क्योंकि ये लाइन खींची नहीं जाती है, केवल इंडिकेट की जाती है, कि आप इसको जानकारी रखिए। ये डॉट डॉट लाइन कुल 3 मीटर यानी 3 मीटर की होती है दोनों तरफ, इधर भी हाफ में इधर भी हाफ में 3 मीटर। बाकी इसके बाद जो एरिया होता है वो आपका 6 मीटर का होता है यानी 6 मीटर का होता है, यानी इस मैदान के हमने हाफ हाफ पार्ट के दो पार्ट किए, यानी एक 3 मीटर अटैक लाइन और 6 मीटर इंड लाइन यानी पीछे के भाग को जिसको हम बैक साइड बोलते हैं। तो ये हो गया आपकी ये अटैक लाइन, और अंतिम इसे बोलते हैं इंड लाइन। मध्य रेखा हो गई सेंट्रल लाइन, इस तरह से मैदान की रूपरेखा हो गई, यानी 18×9 सेंट्रल लाइन से अटैक लाइन की दूरी 3 मीटर, अटैक लाइन से इंड लाइन की दूरी 6 मीटर जिसको हम इंड लाइन बोलते हैं या अंतिम रेखा हिंदी में बोलते हैं। तो इस तरह पूरे मैदान की जो हमने संरचना की वो इस तरह हुआ। अब इसमें होता क्या क्या है, पहला चीज आप सभी जानते हैं, इसमें सबसे पहले चीज हमारा जो ये पोल गड़ा होता है उसके बीच जो नेट होता है, नेट जिससे कि गेंद आर पार जो फेंकी जाती है तो उसके ऊपर से। तो इस अब नेट की चर्चा अगर हम करें तो हमको जानकारी होनी चाहिए कि ये जो नेट होता है ये अधिकतम, यानी जो पुरुष और महिलाओं के लिए जो नेट होता है वो अलग अलग माप होता है। पुरुषों के लिए ये 2.43 मीटर यानी अगर यहां लिखते हैं 2.43 मीटर इतनी ऊंचाई होती है जमीन से जो पोल पर नेट बंधा होता है, पुरुषों के लिए 2.43 मीटर, महिलाओं के लिए 2.24 मीटर यानी 2.43 पुरुषों के लिए और 2.24 महिलाओं के लिए। हम यहां लिख देते हैं, ये हो गई पोल से नेट की ऊंचाई अलग अलग पुरुष और महिला के लिए। पहला पॉइंट आपसे अगर ऑप्शन पूछता है कि पुरुष के लिए नेट की ऊंचाई क्या होती है 2.43, महिलाओं के लिए 2.24 मीटर। अब दूसरी चर्चा आती है, आप देखिए इसी नेट के पास एंटीना लगा होता है, एक एंटीना लगा होता है, उस एंटीना का क्या कार्य है, पहले तो ये जान लीजिए। उस एंटीना का कार्य है कि जब सर्विस की जाए या मैदान से बाल उठाई जाए, ब्लॉकर द्वारा हो या क्या कहते हैं सेंटर द्वारा हो या बैक लाइन द्वारा डिफेंस किया गया हो, किसी भी स्थिति में जब बाल को उठाई जाए और बाल बाहर जा रही हो, कोई भी खिलाड़ी उस बाल को अंदर खींचता हो लेकिन इस एंटीना के अंदर, इसीलिए एंटीना ऊंचा होता है, इस एंटीना की लंबाई 1.80 मीटर होती है, इसके अंदर से वो बाल अगर लाता है तो वह बाल इन मानी जाती है, लेकिन अगर वो एंटीना के बाहर से बाल लाता है कहीं से भी खींच के, कहीं मतलब अपने ग्राउंड से, यानी जो वो 18×9 है उसके हाफ के आधे पे 9 मीटर के एरिया पे कहीं से भी वो बाल लाता है और अगर एंटीना से बाहर है तो वो आउट, एंटीना के अंदर है तो वो इन मानी जाती है। इस एंटीने का ये प्रयोग होता है जिसकी लंबाई 1.80 मीटर होती है। इस एंटीने का कलर भी ध्यान रखिए आप लोग, इस एंटीने का जो कलर होता है ऊपरी हिस्सा जो होता है वो आपका रेड एरिया होता है, नीचे व्हाइट रहता है। इस एंटीने का ये कलर होता है जो दोनों तरफ होते हैं, 1.80 मीटर लंबे होते हैं। तो हमने चर्चा किया नेट की ऊंचाई पुरुष महिला की, एंटीना जो होता है उसकी लंबाई क्या होती है। अब हम आगे बात करते हैं बॉल पे, बॉल क्या प्रयोग क्या होता है या बॉल कितने वजन की होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुलायम चमड़े के ये जो होते हैं टुकड़ों से बनाई जाती है वॉलीबॉल, मुलायम। अब चमड़े
मार्केट में या जहां ये उत्पादन होता है वहां कैसे चमड़े होते हैं, लेकिन आपको जो वॉलीबॉल मिलता है या आप जो खेलते हैं उसको देखते हैं वो बहुत मुलायम रहते हैं और जिससे कि आपके हाथों को भी चोट ना लगे, इस तरह के वो मुलायम चमड़े से वॉलीबॉल बनते हैं। इनके अंदर एक रबड़ का ब्लैडर अलग से रखा जाता है, यानी वो हवा जिसके अंदर भरी रहती है वो सबसे अंदर रहता है, उसके आवरण यानी बाहर की तरफ चमड़ा रहता है। फिर इस गेंद का व्यास यानी उसका व्यास क्या होता है, व्यास 65 से 68 सेंटीमीटर, 65 से 68.5 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है, व्यास होता है। अगली चीज, फिर इसका वजन, वजन क्या होना चाहिए, वजन होता है 250 से 300 ग्राम, ये वॉलीबॉल का वजन हो गया, यानी जिस वॉलीबॉल से हम खेलते हैं उस वॉलीबॉल का व्यास और वजन ये दोनों चीज, व्यास 65 से 68.5 सेंटीमीटर, वजन 250 से 300 ग्राम वजन होता है। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए इसका व्यास थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये आपके जो साधारण बॉल होती है वॉलीबॉल उसका व्यास हो गया, लेकिन अगर इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट हुआ तो उस वॉलीबॉल का व्यास क्या होता है, उस वॉलीबॉल का व्यास होता है 67 से 68.5, इतना व्यास उसका इंटरनेशनल वॉलीबॉल का होता है। वहां पर वजन, वजन वही होता है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर होता है, जो 250 होता है वो 280 हो जाता है सिर्फ, यानी 280 से और ये 300 ग्राम भी रहता है, यानी आपका जो ये साधारण है अगर नेशनल की बात करें और फिर इंटरनेशनल की बात करें, दोनों में वजन और व्यास गेंद का अंतर होता है, कौन सा अंतर, ये दोनों चीज आपको हमने बताया। अब बात करते हैं इस पे वॉलीबॉल के खिलाड़ियों पर, उस पे चर्चा करने से पहले एक बार हम आपको फिर से रिमाइंड कराते हैं, पांच छह चीजें इस ब्लैक बोर्ड पे ध्यान से देख सकते हैं, आवाज स्पष्ट जा रही हो, नहीं भी जाती है आवाज तो आप नीचे कमेंट में लिखकर हमको भेज सकते हैं, हम दोबारा आपको बताएंगे। पहला चीज आपका, हम अगर चर्चा करें ग्राउंड की माप 18x9 मीटर, पहला पॉइंट। दूसरा, मैदान को 18 मीटर को हाफ में बांट लीजिए तो 9 मीटर, 9 मीटर मैंने सेंट्रल लाइन से और क्या कहते हैं 3 मीटर के दूरी पर निशान लगाइए, इसे अटैक लाइन बोलते हैं। इस अटैक लाइन के बाद एंड लाइन तक 6 मीटर की दूरी होती है, यानी टोटल मैदान हो गया 63, यानी 639 मीटर की ये आपकी क्या कहते हैं मैदान का हाफ हो गया। दूसरा, पुरुषों की यानी पुरुष वर्ग की जो क्या कहते हैं नेट की ऊंचाई होती है वो 2.43, महिलाओं के लिए 2.24, ये हो गया पुरुष वर्ग के लिए और महिला वर्ग के लिए। अगला पॉइंट, एक एंटीना लगा होता है वॉलीबॉल में, उस एंटीना की लंबाई 1.80 मीटर होती है। एंटीना का प्रयोग गेंद को अंदर लाना, यानी उस एंटीने के द्वारा अंदर गेंद आती है तो मैदान में इन मानी जाती है, अगर उस गेंद को एंटीना से बाहर से लाया गया तो वह गेंद आउट मानी जाती है। तीसरी, चौथी चीज, आपके गेंद का व्यास 65 से 68.5 सेंटीमीटर, ये नेशनल, इंटरनेशनल 67 से 68.5 सेंटीमीटर। अगला, वजन, आपका साधारण वॉलीबॉल का वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम, जबकि अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए 280 से 300 ग्राम वॉलीबॉल का वजन होता है। ये हुआ आपके संक्षिप्त वॉलीबॉल के मैदान, गेंद और क्या कहते हैं नेट से संबंधित। अब हम चर्चा करते हैं खेल में जो खिलाड़ी होते हैं साथ में उनके नियम क्या लागू होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, प्रत्येक दल में अगर वॉलीबॉल देखें तो 6 खिलाड़ी प्ले करते हैं, यानी 6 खिलाड़ी, टोटल 12 प्लेयर होते हैं। यानी 6 खिलाड़ी मैदान में प्ले करते हैं, टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट के लिए होते हैं या उनमें से 6 चेंज किए जा सकते हैं वॉलीबॉल में, ऐसा कोई वो
कर रहे हैं कि दो ही होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, इसीलिए 12 खिलाड़ी होते हैं, यानी पूरी दो टीम रहती है साथ में, छह छह ग्रुप बना होता है, तो दो टीमें होती हैं, छह खिलाड़ी खेलेंगे, छह खिलाड़ी आउटस्टैंडिंग पर बैठे रहेंगे, तो छह खिलाड़ी और 12 खिलाड़ी होते हैं। अगली चीज, इसमें खेल प्रारंभ होने से पहले जब इस खेल को स्टार्ट किया जाता है तो जो मैदान पे खिलाड़ी उपस्थित होते हैं, दोनों तरफ के खिलाड़ी लाइन के द्वारा कोर्ट में उपस्थित होते हैं, यहाँ पर रेफरी द्वारा या एम्पायर द्वारा इसमें होते हैं, उसकी संख्या भी हम बता रहे हैं, पहले रेफरी द्वारा दोनों टीमों के कप्तानों को बुलाया जाता है, उनके द्वारा टास होता है, टास के द्वारा दोनों कप्तानों में से जिसको पहले बोलने का अवसर मिलता है वो फील्ड या बॉल का चयन करता, बॉल मतलब सर्विस का चयन करता है, अगर वो सर्विस का चयन किया जीतने वाला तो दूसरी टीम को करते मैदान उपस्थित मिलेगा, उसको मैदान लेने का अवसर प्राप्त होता है, अगर ये मैदान लेते हैं तो उसको फिर सर्विस करने का अवसर प्राप्त होता है। इस स्थिति में जितने लोग होते हैं इसमें आपको मालूम होना चाहिए, एक कुल टोटल पांच निर्णायक होते हैं। अब पांच में कौन कौन से होते हैं, एक आपका हो गया रेफरी जो पोल पर, यानी पोल पर नहीं बल्कि पोल के साइड में जो चेयर लगी होती है उस पे बैठता है, दूसरा हो गया एम्पायर जो आपको दिखाई तो देगा लेकिन वो अलग मैच पे बैठा होगा, वो पूरे टूर्नामेंट पे नजर रखता है, दो हो गए आपके लाइनमैन जिसको हम रेखा निरीक्षक बोलते हैं, लाइनमैन वो आपके पूरे 18-9 जब गेम चलेगा तो उसमें इन आउट का निर्णय देते हैं। अगला एक बचता है जिसको हम लोग स्कोरर कहते हैं, कुल मिला के इस तरह टोटल पांच की संख्या होती है पूरे वॉलीबॉल टूर्नामेंट को कराने के लिए। वॉलीबॉल टूर्नामेंट पांच सेट का, यानी कुल 25 पॉइंट 25 पॉइंट्स के होते हैं, और ये पांच सेट तीन सेट में होता है, तीन सेट का भी होता है, पांच सेट का होता है, नेशनल जो इंटरनेशनल जो प्रतियोगिताएं होती हैं वहां पर पांच सेट का टूर्नामेंट होता है, इस पांच सेट में किसी भी टीम को लगातार तीन सेट या नहीं लगातार वो तीन सेट जीत सकती है, तो कुल पांच में से तीन सेट जीतना जरूरी है तब वो टीम विजयी मानी जाती है। 25 पॉइंट का होता है, तीन से पांच सेट का क्या कहते हैं टूर्नामेंट होता है, पांच निर्णायक होते हैं, छह खिलाड़ी होते हैं, ये पूरी संधि हुई आपकी मैदान से संबंधित जो खिलाड़ी खेलते हैं। अब इसमें एक चीज और दिया हुआ है, इसमें क्या कहते हैं 15 यानी अब तो 15 पॉइंट पर, यानी 15 पॉइंट पर या 9 पॉइंट पर, दोनों 9 पर कोड चेंज किया जा सकता है, 9 पॉइंट होने पर कोड चेंज किया जा सकता है, जबकि 15 पॉइंट होने पर अगर एक टीम का कोई स्कोर नहीं है और एक टीम का 15-0 है तो यहां पर टूर्नामेंट यानी मैच समाप्ति हो जाती है, लेकिन अगर टूर्नामेंट चल रहा हो और एक टीम का मान लिया 6 या 7 है, दूसरी का 9 है, तो वह कोड चेंज कर सकता है, लेकिन 15 पे कोड नहीं चेंज होगा। अगली चीज, अब इसमें कुछ चीजें हो गई जिसमें आपको यह जानना होगा कि इस वॉलीबॉल में खेलते समय क्या क्या त्रुटियां हो सकती हैं या खेलते समय कहां पर आपसे गलतियां हो सकती हैं जिसको रेफरी आउट देता है या उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कहता पहला, कमर के नीचे किसी भाग से या भाग से गेंद का लगना, आप सभी जानते हैं वॉलीबॉल हैंड से चलता है, लेकिन अगर गेंद कमर के नीचे यानी कमर के नीचे किसी भाग से अगर गेंद लग जाती है, आपके पेट पर लग गई, पीठ पर लग गई या सीने पर लग गई, तो वहां पे त्रुटि होती है, लेकिन अभी आपके जो नए नियम के अनुसार देखा जाए तो वॉलीबॉल होल्ड ना हो, होल्ड का मतलब सीने पे लग के गेंद रुके ना, बाकी शरीर के किसी पार्ट में अगर अब गेंद लगती है तो वो उठाया जा सकता है, लेकिन कब, सर्विस करते समय गेंद अगर कमर के नीचे लग रही है तब उठती है, तब उसे नहीं मानना है, कब, जब ब्लॉक हो रहा हो या उधर से स्मैश किया जा रहा हो और गेंद आपके शरीर में लगती है, हाथ पे, पीठ पर, सर पर वो गेंद उठती है, तब वो माना जाता है राइट। दूसरा,
एक बार से अधिक गेंद को नहीं उठाना या ड्रिबलिंग करके या डबल हैंड नहीं लगाना, ये फाउल माना जाता है। तीसरा, तीन से अधिक बार गेंद को एक ही दल द्वारा मारा जा सकता है, बस चौथी बार मारने पर वहां पर त्रुटि हो जाएगी, यानी फोर हैंड नहीं होना चाहिए जिसे हम सुनते हैं। सर्विस हुई, सेंटर ने सर्विस उठाया, स्मैश रेजर ने रेज बनाया और स्मैशर ने स्मैश मारा, बस इतना होने के बाद अपने आप गेंद दूसरे पाले में जानी चाहिए। अगर वो फोर हैंड लग गया तो वहां पर फाउल होगा। अगला, दो व्यक्तियों के एक साथ गेंद मारना, यानी अगर आपस में दो व्यक्ति आते हैं और दोनों ऊपर नीचे टकराते हैं और गेंद हाथ से लगती है तो वहां पर डबल फाउल कहलाता है, यानी डबल फॉल्ट हो गया, वहां पर दो व्यक्तियों द्वारा उठाया गया है, वो भी एक गलत फाउल माना जाता है। दूसरा, पहले था सर्विस की जाती थी तो बॉल नेट छूके क्रॉस होती थी, उसको फाउल माना जाता था, लेकिन अब वो बदल गया। अब अगर मान लिया सर्विस करते समय नेट क्रॉस भी हो रही है गेंद और नेट पर लग जाती है बॉल थोड़ा सा या जो भी लग जाती है और क्रॉस होकर दूसरे पाली में जाती है तो उसे इन माना जाता है, पहले की तरह नहीं। पहले क्या था, गेंद अगर नेट में लग जाए, हल्की सी भी टच हो जाए तो उसे फाउल माना जाता था, लेकिन अब वो बंद कर दिया गया है। अगला, गेंद का सीमा रेखा से बाहर जाना, सही है, अगर आप उठाते हैं या सर्विस की जाती है और गेंद आपके 18.9 मीटर के एरिया से बाहर चली जाती है तो वो आउट मानी जाती है, उसको आप नहीं उठा सकते हैं। दूसरा, यदि बॉल जाल के नीचे से किनारे से चला जाए तो वो भी गलत है। कभी कदा होता क्या है, ब्लॉक करते समय गेंद नीचे को आती है और जाल के उधर चली जाती है, हम आप करते क्या है, एक पैर उधर क्रॉस किए, उठाने क्रॉस किए तो उससे क्या हुआ, फाउल होता है। हम सेंट्रल लाइन से दोनों पैर हमारे अपने ग्राउंड में हो और जाल के नीचे से बाल जाने से पहले अगर हम अपने हाथ से उठा लें तो वो इन है, लेकिन अगर गेंद चली गई आप प्रयास कर भी रहे हैं तो वहां पर फाउल हो जाएंगे, या तो आप नेट टच होंगे या तो दोनों पैर आपके उधर चले जाएंगे। अगला, एक मिनट से अधिक देर, यानी आप ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड या एक मिनट तक गेंद अपने पास होल्ड कर सकते हैं। होल्ड का मतलब केवल लिया और दिया, बस 30 सेकंड, उससे ज्यादा गेंद आप रोकेंगे तो होल्ड माना जाएगा, रेफरी रिसीव बजा देगा और वहां पर आपको गेंद फिर दोबारा दूसरे को कोर्ट में देना। अगला, रोटेशन, ये ध्यान रखिए कि वॉलीबॉल पूरा टूर्नामेंट रोटेशन पे होता है। रोटेशन का मतलब जो मैदान आपका बना हुआ है और जो 6 खिलाड़ी खड़े हुए हैं वो रोटेशन से चलेंगे। कहने का मतलब जिसने सर्विस की और सर्विस उधर गई, यानी दूसरे कोर्ट में सर्विस गई और अगर पॉइंट बन गया तो सर्विस करने वाला आगे बढ़ेगा, ठीक है, उसके स्थान पर, और जहां पर क्या करते हैं ब्लॉक करने वाला व्यक्ति है राइट हैंड पर वो जाएगा सेंटर वाले के स्थान पर, सेंटर का मतलब रेजर के स्थान पर, रेजर वाला जाएगा स्मैशर के स्थान। इस तरह से राउंड हमारी जो चलती रहती है 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, इनको अगर अंकों में देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह अंक दिए जाते हैं, यानी 3 वाला 4 के पास, 4 वाला 5, 5 के पास 6, 6 वाला 1 के पास, 1 वाला 2 के पास, इस तरह से रोटेशन चलता रहेगा। अगर मान लिया सर्विस करते समय सर्विस ब्लॉक हो जाती है या सर्विस आउट गई तो फिर रोटेशन नहीं होगा, जो जहां था वहीं पर खड़ा रहेगा जब तक ये नहीं होगा कि अगली बार आपके पास गेंद आती है और आप सर्विस नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये वॉलीबॉल से संबंधित इतनी समझ में आया, या हो सकता है आप ना समझ पाए हो पढ़ाते समय हमारे, तो आप उसको आप लिख सकते हैं, कमेंट बता सकते हैं, तो हम कल उस पर चर्चा करेंगे। अब कल हमारा लेसन 6, कल हम इसी बात लेसन नंबर 7 पे जाएंगे, यानी लगातार आपका 4 यानी 5th, 6th, 7th, 8th केवल वॉलीबॉल सॉरी खेल से ही संबंधित है। केवल लिखने का काम आपके शुरू के 3 चैप्टर थे, यानी शारीरिक शिक्षा क्या है या समता क्या है, संचलन क्या है, लेकिन अब आपके सारे गेम हैं। और ये ध्यान रखिए कि आपके क्लास 10th में हाफ ईयरली एग्जाम होना है, ईयरली में आपको नहीं जाना है, ईयरली में आपके इस कोर्स से नहीं मतलब है, यानी कि हम पूरी किताब आपके हाफ ईयरली में ही खत्म कर देंगे। जो गेम है, फिलहाल गेम की चर्चा कर रहे हैं, कल लेसन नंबर 7 गेम की हम बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। जो बाल बाल में नहीं समझ में आया है उसको आप हमसे कल पूछें।